विवियन ने डिमांड की है, वो भी चाहत पांडे से। अभी चाहत पांडे ये डिमांड पूरी कर पाएगी, क्योंकि चाहत पांडे को ये डिमांड जो है बिग बॉस के सामने रखनी पड़ेगी। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ आखिरकार पूरा माजरा क्या है, गॉसिप क्या है। देखिए, चाहत पांडे और विवियन की ना जो दुश्मनी है उसको पसंद नहीं करते लोग ज़्यादा, पर इन दोनों की जो लव हेट वाला रिलेशन है, लव हेट वाला रिलेशन तो नहीं है, पर लोगों को ऐसा रिलेशन इनका लगता है कि लव हेट वाला रिलेशन, क्योंकि ऐसे कहीं ना कहीं करेक्टर में जो है, लव हेट वाले करेक्टर में जो है, विवियन दी सेना को जो है सीरियल में देख चुके हैं लोग, और उस करेक्टर को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। कलर्स टीवी पे ही एक सीरियल आता था, उस सीरियल में जो है ऐसा एक किरदार था इनका। तो अब जो है, जैसे कि आप लोगों ने देखा, कल रात भी आप लोगों ने देखा कि चाहत पांडे ने बहुत सारी बदतमीजियां जो है वो विवियन के साथ की, पर विवियन को जो ड्यूटी दी गई तो विवियन ने थोड़ा टाइम लगाया, क्योंकि उनके हाथों पे मतलब कि प्रॉब्लम हुई हुई थी, उन्होंने खुद बताया, जाके जो है उन्होंने बर्तन धो दिए, उस बर्तन को धो दिया, और सुबह भी बर्तन धोए और दिखाया भी कि भाई मैंने बर्तन धोए, सब चीज़ें हैं। तो चाहत ने बोला कि हाँ, बहुत ही अच्छा काम किया विवियन तुमने। अब जो है, बाथरूम की ड्यूटी किसकी है? बाथरूम की ड्यूटी है अविनाश, करण और ईशा की। इन तीनों को जो है सब चीज़ें सेट भी करनी है और बाथरूम भी क्लीन करना है, पर अविनाश जो है अपनी ड्यूटी कर नहीं रहा बाथरूम की, और टेबल जो है उसने थोड़ा सा साफ कर दिया था अभी कुछ ही देर पहले। पर देखा गया है कि विवियन जो है वहाँ पर अपने आप जो है सफाई कर रहे थे बाथरूम की, और चाहत को बोल रहे थे, डिमांड रख रहे थे कि चाहत तुम ऐसा करना कि एक वाइपर मंगा देना, कि कभी भी मैं आता जाता रहूँगा ना, मैं उसको ना पानी वहाँ पे खड़ा रहता है तो उसको ना साफ़ कर दूंगा, कि वो एकदम साफ़ हो जाए और सूख जाए वो। तो देखिए, जो इंसान, उसको काम करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी काम दे दो, कुछ भी दे दो, वो एक्टिव रहना चाहता है, उसको सोना नहीं है कभी भी, विवियन की वजह से शायद कभी भी कुकड़ू को बजा भी नहीं है। तो ये इंसान ऐसा ही है, इतना ही अच्छा है इंसान कि दूसरे लोगों की भी ड्यूटी करेगा, पर दूसरे लोग इसके साथ स्टबननेस दिखाएंगे, इसके साथ एटीट्यूड दिखाएंगे, अगर इसके साथ बदतमीजियां करेंगे, इसकी फैमिली को लेके आएंगे, इसको पीठ पीछे गालियां निकालेंगे। तो जितना साइलेंट बंदा दिखाई देता है, उससे जब वायलेंट होना पड़ता है ना, तब सबकी फटके हाथ में आ जाती है। और ये विविन जिस दिन वायलेंट होगा ना, तब सब लोगों की धरी रह जाएगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।